ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलामुअलैकुम। दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, माई सेल्फ कॉल्ड सबा गजाली। So listeners, how are you doing? Hopefully you all are doing well and having a safe life journey. जनाब आप उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ। So प्रोग्राम का फॉर्मेट है आपका जाना पहचाना, जो कि है थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। जी हाँ, हल्की पुल्की बात होगी इंग्लिश पे, जिसमें idioms भी आ जाते हैं, कुछ प्रोनंसिएशन आ जाती है, कुछ आपकी पॉजिटिविटी की बातें आ जाती हैं और साथ ही साथ जनाब होता है करंट सिनेरियो पे भी डिस्कशन। सो लिसनर्स, उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने सुने होंगे सबका साथ के शोज और साथ ही साथ आपने सुना होगा इंडिपेंडेंस डे पे हमारा स्टफ, जो कि हमने आपसे कंटेंट शेयर किया था। और अगर नहीं सुना तो प्लीज सुनिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। सो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईद उल अज़हा पे। ईद उल अज़हा बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारी और सबने बहुत पॉजिटिवली बिहेव किया एंड दिस वाज अ वेरी गुड थिंग। यानी कि मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा पहले सिस्टम था कि सफाई नहीं करवाया करते थे और इंतज़ार करते थे म्यूनिसिपल कमेटीज़ का या गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो शहर के इंतज़ामी फ़राइज़ संभालती है, लेकिन इस दफ़ा लोगों ने एक स्टेप आगे लिया और खुद अपनी मदद आपके तहत भी कई जगह पर सफाई करवाई। अगरचे खातर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जा सके हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, बट फिर भी एक अच्छा स्टेप लोगों ने लिया। और वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है। ये बात ठीक है कि हमारी इंतजामिया पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और जितना उनसे बन पड़ता है वो करते भी हैं और कुछ कुछ बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह बेहतरी मजीद आती जाएगी तो सिस्टम भी तब्दील हो जाएगा। तब तक हम भी उनका साथ दें और सब एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलें। सो जनाब, ये तो बात थी ईद उल अज़हा की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं प्रोग्राम में पहला idiom, द ब्लेसिंग इन डिसगाइज। द ब्लेसिंग इन डिसगाइज, THED BLESSING, blessing, IN, in disguise, DISGUISE. So, जनाब, जो चीज हमें देखने में बुरी लग रही है लेकिन उसके outcomes fortunately अच्छे आ जाए तो वो होती है blessing in disguise. Yes listeners, if I say that coronavirus might consider as the blessing in disguise, so मेरा ख्याल है कि ये statement कुछ ज्यादा गलत नहीं, क्योंकि देखा जाए तो हमने कोरोना वायरस से बहुत कुछ सीखा। यानी कि हम ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आए, हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि वर्चुअल चीज़ें नहीं किया करते थे, अब वो वर्चुअल चीज़ों की तरफ आ गए। साथ ही साथ हमने हर चीज़ के सॉल्यूशंस निकालना सीखे कि अगर हमें घर पे रहना है, अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अगर हमें SOPs के साथ चलना है, अगर हमें मास्क लगाना है, अगर हमें घर ही से पढ़ना है, घर ही से बिजनेस करना है तो कैसे करना है, हर चीज को हम लोगों ने सीखा। सो दैट वुड बी कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसी तरह से अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है किसी भी गेम में कि जो यूजुअली आपको ऐसा मालूम होता है कि नहीं, ये तो फॉर्म में ही नहीं है और इसको नहीं खिलाना चाहिए, मगर कुछ इख्तलाफ राय से उसे खिला लिया जाता है और वो आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद फॉर्चुनेटली लकीली कुछ कर जाता है और टीम जीत जाती है। टीम प्रेशर में हो और
हारने के करीब हो मगर उसी की बदौलत जीत जाए तो उस सूरत में ये हो जाती है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यस यू गॉट इट। तो दिस वाज आवर फर्स्ट idiom। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की हम बात कर रहे थे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। इसमें आप अपने आप को भी देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी लाइफ में बात करूं, सो आई लिटरली कंसिडर दिस COVID-19 as a blessing in disguise। लग रहा था कि बहुत बुरा है और जाहिर सी बात है बहुत लोगों के लिए बहुत परेशान कुन भी रहा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात, अपने घर पे रहने का मौका मिला और जो एक हैक्टिक रूटीन था वो हैक्टिक रूटीन तो वैसे ही बरकरार रहा, लेकिन जो ट्रैवलिंग की एनर्जी हमारी सर्व होती थी उससे हमारी बचत हो गई और वो टाइम भी यूटिलाइज होने लगा प्रोडक्टिवली। उसके साथ साथ घर वाले साथ बैठकर उनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगी और इसी तरह से फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड्स को गो के फिजिकली तो बातें करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट रहे, एक दूसरे से ज़्यादा बातें पूछने लगे। पहले जो लोग एक दूसरे की माइट भी बैक बाइटिंग किया करते थे, एक दूसरे की जो है वो चीज़ों से खुश नहीं थे और इरिटेट होने लगे थे, डिससेटिस्फाइड हो गए थे आपस में उनके प्रॉब्लम्स से, तो ऐसा भी हुआ कि कभी कभी एक दूसरे के काम आए और चीज़ों को समझने लगे। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे बिजनेसेस हैं, पहले हम ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगवाते थे इतनी, हम फिजिकली जाकर खुद ही लिया करते थे। इससे ऑनलाइन बिजनेसेस को भी फ़रोग मिला। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा रुझान नज़र आता है। सो इसलिए दिस कोरोना वायरस कैन बी कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर पाकिस्तान। यस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आप बात करते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा दिन है। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी इस दिन मनाया जाता है और आज़ादी की कीमत और इसकी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा डेफिनेटली वो लोग लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो इस वक्त आज़ाद नहीं है, जो इस वक्त उस जद्दोजहद में मसरूफ़ है, जो कोशा हैं हमा वक्त कि वो किसी ना किसी तरीके से कैद से छुटकारा पाएं और आज़ाद हो जाएं, तो डेफिनेटली दे कैन रियली रियलाइज द वर्थ ऑफ इंडिपेंडेंस। सो जनाब, बिल्कुल इस मुल्क की कदर कीजिए और आज़ादी को नेमत जानिए। अपना अपना जो पॉजिटिव रोल है, प्रोडक्टिव रोल है, वो अपने वतन के लिए दीजिए। अपने आप को वॉलंटियर करना सीखिए। बात करेंगे वॉलंटियरिज्म पे। वॉलंटियरिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉलंटियरिज्म की अहमियत है, इसकी अफादियत को हम सबको पहचानना चाहिए। हम लोग क्या समझते हैं कि अगर एक मिनट भी हम लोग दे रहे हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ काम सेल्फलेस होकर भी करने चाहिए। सेल्फलेस हम कैसे हो सकते हैं? सेल्फलेसली हम कोई काम क्यों परफॉर्म करें? हमें उससे क्या हासिल होगा? सेल्फलेसली तो कोई भी काम नहीं होता। हर काम में कोई ना कोई इंसान का बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो काम करेगा ना, अदरवाइज वो कैसे वो काम करेगा। तो उसका जवाब है जनाब कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा, बगैर बेनिफिट के कोई काम नहीं करता। सेल्फलेसली काम कीजिए, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ नहीं, हियर आफ्टर। सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। तो जनाब बात यही है कि हमें समझने की ज़रूरत है, वॉलंटियर करना बहुत एक अच्छी बात है और हमें कुछ वक्त मटीरियलिज्म से हटकर, मादियत परस्ती से हटकर भी गुजारना चाहिए और उससे कता नज़र भी कुछ सोचना चाहिए। सो दिस इज़
the idea कि आप worth पहचाने उस चीज की, उस reward की जो आपको मिलेगा. आज आप किसी के लिए आसानियां करेंगे, कल को आपके लिए अल्लाह ताला आफियत पैदा करेंगे. बिल्कुल. तो बढ़ते हैं आगे और शेयर करते हैं अपना अगला idiom. और हमारा अगला idiom है भला क्या. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. It's spelled as a single A, then penny, P-E-double-N-Y, penny saved, S-A-V-E-D, saved is, I-S is, single A, a penny, P-E-double-N-Y, penny earned, E-A-R-N-E-D, earned. A penny saved is a penny earned. So this idiom says that you should not spend extra money and you should not be extravagant. Extravagant is a new word. Janab, extravagant ki spelling karte hain. E-X-T-R-A-V-A-G-A-N-T. E-X-T-R-A-V-A-G-A-N-T. Extravagant. Extravagant means वो इंसान जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, इसराफ करता हो और पैसे को समझता हो हाथों का मैल. तो जनाब बिल्कुल इस तरह नहीं करना है. पैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मेहनत से कमाए जाते हैं, ये आपने रियलाइज करना है और वही काम आएगा आपके जो आप इन्वेस्ट कर देंगे. तो शौक पूरे कीजिए मगर एक लिमिट के साथ, एक मियाना रवि के साथ. बिल्कुल. तो एक्स्ट्रावेगेंस इज नॉट अ गुड थिंग. यू शुड मेंटेन बैलेंस. सो ये है बात जनाब. जैसे कि हम एक मकरूज मुल्क हैं, हम एक वो कंट्री हैं जहाँ पर हमें पता है कि हम और हमारा बच्चा बच्चा कई हजार डॉलर्स का मकरूज है. तो बिल्कुल हम इस सूरत में ये कर सकते हैं कि हम अपना रुपया रुपया बचाएं और उस बचे हुए रुपए से पाकिस्तान की खिदमत करें. जनाब हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला. हम पाकिस्तान को एक बहुत बेहतर मुल्क बनाएंगे. बात करते हैं शजरकारी मुहिम की. शजरकारी मुहिम पाकिस्तान में मुनाकिद की गई, पौधे लगाए गए. अब अल्लाह हमें तौफीक दे के हम उन पौधों की हिफाजत भी करें और मजीद पौधे लगाएं. सो अपना अपना हिस्सा इस मुहिम में भी जरूर डालिए और बिल्कुल पौधे लगाइए क्योंकि यही हमारी पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और हमारा एनवायरनमेंट बना सकते हैं बेटर. ये हमारी आने वाली जनरेशन की बका के लिए लाजमी तौर पर जरूरी है. और बात करेंगे सफाई मुहिम की जो कि हमारे मुल्क में चल रही है. तो बिल्कुल बारिशें भी एक्सपेक्टेड है मजीद. तो सफाई का ख्याल रखिए. ऐसे मौसम में बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ भी नमूदार होते हैं और साथ ही साथ बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं. तो बच्चों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और बिल्कुल सफाई का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल. एज दिस इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ योर फेथ. ठीक है जी. तो इसका बिल्कुल आपने ख्याल रखना है. जैसे आपने ईद पे सफाई करवाई थी वैसे ही बिल्कुल आपने अपने मोहल्ले को, अपने अतराफ को, जहाँ जहाँ आप जाएं रखना है साफ सुथरा और माहौल को बनाना है क्लीन. एज क्लीन पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान इज अ ड्रीम. बिल्कुल जी. ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमारे मुल्क पे चल रही थी और स्टिल चल रही है. देखा यह गया है कि लोग दरख्त काटते हैं
पर दरख्त लगाते नहीं हैं। इसी तरह से लोग कचरा फेंकते हैं। आप देखेंगे कि बसेस में जा रहे हैं, कार्स में जा रहे हैं, तो बिस्किट खाएंगे, जूस पियेंगे, रैपर बाहर फेंक देते हैं। ये हमारी एक बहुत बुरी बात है जो कि हमें डेफिनेटली बीइंग अ सिविलाइज्ड नेशन नहीं करना चाहिए, और हमें इस तहजीब को, इन अच्छी बातों को अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी कौम बनना है तो हमारे अंदर वो औसाफ भी डेफिनेटली होने चाहिए। इसी के साथ वक्त आ चुका है हमारा कि हम आपसे ले इजाजत, मगर इस उम्मीद और इस अहद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल और दूसरों का भी, कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लोगों को नाराज ना होने दीजिए, खल्के खुदा की खिदमत कीजिए, सबका ख्याल रखिए और साथ साथ अपना भी, और पाकिस्तान की तरक्की में अपना प्रोडक्टिव रोल ज़रूर प्ले कीजिए। तो जनाब खुश रहिए और खुश रहने दीजिए के फॉर्मूला पे अमल कीजिए और फैलाइए पॉजिटिविटी सोसाइटी में। इसी के साथ हमारा आज का शो हुआ ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले शो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।